नमस्कार एवं वालेकुम सलाम मेरे मुसलमान भाइयों, आज मैं आपको खतना एवं सुन्नत की एक इंटरनेशनल इंपोर्टेड टेक्निक दिखाऊंगा जिसने विश्व भर में तहलका मचा रखा है और आज ये टेक्निक भारत में अवेलेबल है। खतना एवं सुन्नत एक फितरत है और यह मुसलमान बच्चों में ज़रूरी है। आए जाने कि खतना व फितरत किस उम्र में कराई जाए और इसको कितना ज़रूरी है। पहली चीज़, खतना का करना ये फितरत से है, याद रखिए। अब इसके लिए क्या चीज़ें आप याद रखेंगे? खतना के लिए याद रखिए, कोशिश करें कि जितने जल्दी हो सके बच्चों की आप और हम खतना करवा दें। खामोखा खतना में ताखीर या देर ना करें, लेकिन कम से कम बालिग होने से पहले कर ले, और बालिग होने के पहले ना कर सके तो कम से कम बालिग होने के बाद कर ले, और तब भी नहीं कर सके तो कम से कम शादी से पहले तो उसकी ज़रूर खतना कर ले। ठीक, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग, नहीं बच्चा अभी छोटा है, उसको ये हो जाएगा, उसको वो हो जाएगा। जैसा आपने सुना वीडियो में, खतना एवं सुन्नत ज़रूरी है। विश्व भर में जितनी भी बड़ी मुसलमान कंट्रीज़ है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एवं यूएई, इन सभी मुल्कों में खतना हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। डॉक्टरों से खतना कराने के कई फ़ायदे हैं, पर आज भी इंडिया में खतना व सुन्नत घर पे नाई या दाई करती है। इसके कई नुकसान हैं, बच्चा रोता रहता है, खून आना, इन्फेक्शन होना, लिंग पे जख्म बन जाना, पेशाब में दिक्कत, चमड़ी का ज़्यादा या कम कटना, ऐसे कई नुकसान हैं। और इसी कारण से विश्व भर में WHO एवं बड़े बड़े मुल्कों में ये कहते हैं कि खतना को हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा करवाया जाए। अभी तक जो डॉक्टर थे वो या तो खतने को चमड़ी काट कर या प्लास्टिक बेल डिवाइस बांध कर करते थे, पर अब ZSR डिवाइस, जो कि एक इम्पोर्टेड डिवाइस है जो इंडिया में आ गया है, इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि किसी भी उम्र के बच्चे में इसको कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, चमड़ी एकदम बढ़िया तरीके से कट कर भर जाती है, घाव नहीं बनता है और इसमें कोई टाँके भी नहीं लगते। अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक 5 साल का भाई और एक बच्चा मेरा, जिसका हमने ZSR से खतना किया और उसके रिजल्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बिल्कुल दर्द रहित प्रोसीजर है और बच्चा पट्टी कराकर अपनी माँ के साथ उनकी बाहों में खेलता हुआ अपने घर को चल दिया। यही बच्चा 8 या 9 दिन के बाद जब इसकी रिंग गिर जाएगी तो एकदम खुशी खुशी अपने स्कूल में जा सकता है, पेशाब कर सकता है और अपनी सारी जो बच्चे शैतानियाँ करते हैं कर सकता है। अगर आपको ZSR टेक्निक पसंद आई और आप भी अपने बच्चे में ZSR से खतना करवाना चाहे तो आप मेरे दिए गए नंबर पर परामर्श ले सकते हैं या मेरी क्लिनिक पर आके मुझे मिल सकते हैं और हम आपके बच्चे में खतना या सुन्नत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने घर वालों और दोस्तों से शेयर कीजिए। नमस्कार।